आज से अनेकों मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठग बंधन है, ये गठबंधन ही नहीं, ये ठग बंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठग बंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठग बंधन को कल हमने देखा। आज सुबह से ही ये न्यूज में चल रहा है कि इस प्रकार जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF है, जो एक मुस्लिम क्लरिक है, जो एक मौलाना है अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी है ऑपोजिशन में, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद का माहौल का निर्माण हो रहा है, the kind of tussle that we are seeing within the Congress party is something which we need not mention, which every Indian is visualizing through the media and through social media platforms. Twitter युद्ध हो रहा है, टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है, कांग्रेस सेड दैट आवर क्रेडेंशियल्स वर बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, देयर ओन पार्टी पीपल हैव आस्क्ड इज दिस महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म, दिस इज कोर हिपोक्रेसी, दिस इज अटमोस्ट हिपोक्रेसी। ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है, वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बद्रुद्दीन अजमाल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है, और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कर्नाटक में SDPI BFI का जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ रही थी। और आपको याद होगा जब कर्नाटक का इससे पहले चुनाव हुआ था, SDPI ने अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जीत सके। पराकाष्ठा तो तब होती है मित्रों जब यही कांग्रेस पार्टी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ अलायंस करती है, शीट शेयरिंग पे उतरती है और साथ में चुनाव लड़ते हैं, और वही कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ती है। दोनों चुनाव एक साथ चल रहे हैं पांचों राज्यों में, इन दोनों राज्यों के नाम है, बंगाल का भी नाम है और केरल का भी नाम है। आप पराकाष्ठा देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, मतलब ये प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जब बंगाल जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मंच शेयर करेंगे, उनके आला कमान के साथ बैठेंगे। और वही रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब केरल चले जाएंगे तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, उन्हीं नेताओं के साथ जिनके साथ बंगाल में मंच साझा किया था, जिनके हाथ पकड़कर खड़े होंगे, वही केरल में उनको मंच अलग अलग करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं हिंदुस्तान की जनता कुछ जान नहीं पाती? बंधुगण, इनको अलायंस से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं, इनको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं, इनका उद्देश्य केवल एक है, और उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार, चाहे किसी का भी साथ क्यों ना लेना पड़े,
कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को एटीएम में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। द ओनली एम्बिशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली इज टू सी टू इट द एम्बिशंस ऑफ द गांधी फैमिली इज फुलफिल्ड, द सोसाइटी फॉर पावर ऑफ द गांधी फैमिली इज फुलफिल्ड। They are not going to deliver anything out of this alliance. आप देखिए आश्चर्य का विषय, ये कांग्रेस पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिली हुई है, ये कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिली हुई थी, अभी मिलने के लिए कोशिश में, मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई है, वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी के जो फ्रंट है उसके साथ मिली हुई है, SDPI के साथ मिली हुई है, और कमाल की बात है महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के साथ मिली हुई है। आप सोचिए, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं। करप्शन इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। To promote hatred amongst the Indians in the name of caste and creed is the core ideology of the Congress party. And to divide India in the name of religion is the core agenda and ideology of the Congress party. And that's the reason as to why we have unholy alliances, we have unholy intentions, and we have unholy performance. जहाँ कांग्रेस रहती है, वहाँ unholy intention रहता है। उनकी इच्छाएं ही अनहोली, अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस। जब इंटेंशन ही अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस तो 30 सेकंड में ही सो जाता है। किसी भी राज्य में अगर परफॉर्म और गवर्नेंस की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कह ही रहे थे, वो 30 सेकंड में सो जाता है, वहां परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं होती। बंधुगण, इस कांग्रेस पार्टी ने जरूर कहा होगा बंद कमरे के अंदर, और आपको याद है एक लीडिंग अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी, ये राहुल गांधी ने कहा, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। मगर आज हम यहां स्पष्ट कर दें, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भले ही बंद कमरे में कहते हो हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है, ये केवल घर वालों की पार्टी है, ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है, और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है, बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है, बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है। और तो और, लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ दीज अलायंसेस। कल हम देख रहे थे आरजेडी जो है ये जाके ममता बनर्जी के पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी, कमाल की बात है। बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है, समाजवादी पार्टी जब मौका मिले तो साइकिल पे राहुल गांधी को बैठाया था कैरियर में, अब हो जाके ममता जी के साथ खड़ी है, कमाल की बात है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी के बीच नहीं है जी, ये सारे ऐसे ही 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हुए थे ना 2019 के चुनाव में, ये 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम जो है एक साथ मिलके यहाँ काम करेंगे। आप देख रहे हैं आरजेडी जाके ममता जी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस जाके कम्युनिस्ट के साथ बंगाल में, कांग्रेस कम्युनिस्ट के खिलाफ केरल में। आप कमाल की बात आप यहां देखिए, यहां किसी प्रकार से भी कोई आइडियोलॉजी नहीं। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, no amount of political push-ups, no amount of political push-ups or dams of alliance by their former president and upcoming president Sri Rahul Gandhi ji is going to save this already sunk ship called Congress party. Chahe kitna bhi rajnitik push-up kar le ye Congress party, aur chahe kitne bhi gathbandhan ke nritya Rahul Gandhi kar le,
मगर कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब चुका है अब वो फिर से उभरने वाला नहीं है। पांचों राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी घोषणा अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है, उन पांचों राज्य की जनता, बुद्धिमान जनता, नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुख जो गवर्नेंस है उसी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो ठगबंधन है इनकी हार होगी।